ये केवल नाम में, नाम तो केवल राम है, लेकिन राम कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिखाई देते। राम हमारे दिखाई देते, हम राम राम तो हमको लगता अभिवादन कर रहे हैं, अपने जय सियाराम आनंद में आ जाते हैं। आराम सोने भी जाए तो राम के पास, विश्राम तो राम। और आप राम नाम सत्य करने वाले कोर्ट में सर्टिफिकेट देते थे कि राम का अस्तित्व कहाँ है, राम जी कहाँ है। कपिल सिब्बल का आज भी एफिडेविट इस बात के लिए लज्जित करता है कि आपने प्रभु श्री राम पे प्रश्न उठाए थे, आज आप उनकी बात करते कि हाँ हमारे भी राम है। अरे तुम्हारे राम तो होते तो तुम ये सर्टिफिकेट क्यों देते, ये मामले क्यों उलझाते, राम मंदिर के मार्ग में क्यों बाधाएं खड़ी करते, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय। और अब फिर मामला है, चलो आप भी समझ जाओ, कोई बात नहीं, राम की बात पूरी हो गई, आ जाओ कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मथुरा में आओ, आओ मथुरा में कौन मना कर रहा, बोलो भगवान कृष्ण की जय जयकार करो। ये हमारी सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, भगवान कृष्ण के जहाँ जहाँ पांव पड़े, जहाँ जहाँ लीला लही रचिए, चाहे आयो अपना उज्जैन जहाँ उन्होंने 64 कला 14 विद्या सीखी, या आपका धार का पास का अंधेरा जहाँ रुक्मी के साथ उनका युद्ध हुआ, या जाना पाओ इंदौर के पास की वो पहाड़ी जहाँ परशुराम जी भगवान को सुदर्शन चक्र देते हैं, वो सारे स्थान तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे, ये हमारी सरकार का निर्णय है।